एक तो देखिए आई पी ट्वेल्व का एक हजार ग्यारह ट्वेल्व ऑफर ठीक है। एक में क्या आएगा इलेवन ठीक है। पांच उसने रेंट दी है इलेवन से ठीक है। और वहां जो जाता हूँ मैं डीएसपी सर्वर में और डीएसपी सर्वर में देखें ये एड्रेस प्लीज में ठीक है। यहाँ पे दो आई पी शो है ये ऑटोमेटिकली लोकेट जाएंगे ऑटोमेटिकली इसको आई पी एस आ जाएगा ऑटोमेटिकली आई पी एस आ जाएगा ठीक है। बस उसके साथ ही यहाँ पे चेंज कर दिया वो इशू आ जाए उसका दो मिनट करता था लगे उसको और डबल शूट करता ठीक है। वरना तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। सिंपल अगर आपके एनवायरमेंट में चल रहे हैं डिजिटल बोलो हमारा डी एस पी सर्वर चल रहा है सिस्टम अपने जो क्लाइंट है उसको एडमिशन करें वो ऑटोमेटिकली आई पी यू बनाता है ठीक है। अगर नहीं उठाता तो कमांड मैंने रन किया वो कमांड दे वो आई पी उठा देता है लिखनी कमांड लिख रहा है लिखवा देता हूँ लिख ली सर इसमें रिकॉर्ड हो गए ये तो लेके नहीं वो नज़र नहीं आ रहे थे उनको मैं लिखवा देता हूँ लिखनी तो लिख लें। एक तो आई पी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल है आई पी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल मतलब पूरे नेटवर्क एडॉप्टर की सेटिंग्स को आई पी में क्या है क्या आई पी असाइन हुए उसका मैक एड्रेस क्या है ठीक है। ये सब कुछ मुझे बता देगा जितने भी नेटवर्क एडॉप्टर आपके सिस्टम है अगर एक पे आना चाहता है तो आई पी कॉन्फ़िग सारा भी सेटिंग करना चाहता है तो आई पी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करते हैं ठीक है। उसके बाद इसमें आई पी ओवर दिया है इसमें लिखने आई पी कॉन्फ़िग स्लैश इसमें तो लिखने रिलीज यहाँ पे सर नजर नहीं यहाँ पे लिखते हैं सर आई पी कॉन्फ़िग लिखते हैं एक सेकंड एक सेकंड आप कलर इसके आई पी कॉन्फ़िग इसको लिखें स्लैश ऑल एक होगी आई पी कॉन्फ़िग सिंपल हो गया और आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज लिखना इसका रिलीज किसकी किया जाता है कि जब आपने पूरे पूरे कैशे को क्लियर करवाना होता है ठीक है। कैशे को क्लियर करने के लिए अगर नया आई पी उसमें से करना चाहते हैं तो एक बार हम उसको रिलीज करते हैं रिलीज करेंगे तो सारे के सारे जो पहले उसकी एंट्रीज है वो रिमूव कर देते हैं ठीक है। तो उसके बाद रिलीज के बाद आमतौर पर हम इसमें यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रिन्यू ठीक है। उस
उसके बाद एक और लिखना है आईपी कॉन्फिग स्लैश में आप लिखते हैं आमतौर पर अगर डीएनएस प्रॉपर स्टार्टिंग से नहीं मिल पा रही ठीक है तो फ्लैश डीएनएस को करते हैं जी आईपी कॉन्फिग ये यहाँ पे आप क्या आएगा फ्लैश फ्लैश डीएनएस मैम उसके बाद आप उसको रजिस्टर्ड डीएनएस लेकिन ये दो कुमार से हमारा काम चल जाता है आमतौर पर ना रिलीज और रिलीज बहुत ज्यादा अगर ट्रबल शूटिंग में अगर तंग कर रहा होगा फिर हम उसको का यूज करते हैं रजिस्टर्ड इमेज ठीक है पहले फ्लश कर देते हैं फिर जब उसको रजिस्टर्ड इमेज कर देते हैं